In your 8th standard also we have discussed about the metals and the non-metals. ठीक है, तो आपको 8th में भी एक chapter था metals and non-metals का. Okay, so according to that concept, अगर हम start करें तो what are metals actually? Metal, किस चीज को आप metal कहोगे बेटा? So the things or the substances that are actually electropositive in nature. Substances that are electropositive in nature. बहुत मैं कितना मारे. Recording चल रही है और आप बोल जा रहे हो. So name any metal? Sodium. हमने पढ़ा हुआ है sodium as Na. Na जो है वो क्या करता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. ओके, एंड इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव. सो द थिंग्स दैट आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर दैट फॉर्म्स कैटायन. ओके, तो जो चीजें इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं. यानी कि जितने भी कैटायंस हैं दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटल्स. एंड सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स, सो अगर मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं तो नॉन मेटल्स ऑब्वियसली दे विल बी इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर. वेरी गुड. So they are going to gain the electrons that are being released by the cation or by the metal. ठीक है? So like chlorine है. Okay, chlorine after gaining the electron, अगर sodium ने एक electron दिया है तो chlorine ने यही एक electron जो है gain करके it will give Cn negative ion. हाँ जी बेटा बोलिए. ओके, सो इन दिस वे द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड द इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशीज, जिनको हम आयनिक स्पीशीज भी कह देते हैं, यानी कि कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज. ओके, तो जैसे ये कैटायन है, ये क्या है, एनायन. सो दिस इज एनायन. क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, अब उसके बाद हम जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. सो लेट्स डिस्कस द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फर्स्टली व्हाट मेटल्स आर एक्चुअली, किन चीजों को हम मेटल्स कहेंगे, किन चीजों को हम नॉन मेटल्स कहेंगे. So the physical properties of metals. Physical properties means देखने से, right? उनका weight लेने से, इन चीजों से आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वो metal है कि non metal है. सबसे पहले हम shine की बात करते हैं, luster. Okay? जो metals होते हैं they are shiny in nature, they are lustrous. Lustrous or having shiny appearance. तो जितने भी metals हैं वो shine करेंगे. ठीक है, right? अगर उनके ऊपर कुछ black black surface आई भी हुई है तो you can rub them with the sandpaper. तो after that you can see whether they are having the shiny character or not. तो सारे जो metals हैं they possesses this shiny character, like iron, gold, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर. ठीक है, तो जितने भी आपके मेटल्स हैं दे विल पोसेस शाइन. तो एक शाइनी, एक लस्ट्रस कैरेक्टर जो है वो सब में होगा. ओके, ऑल मेटल्स दे विल शाइन, राइट? सो राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग.
हाँ रुक जाओ, अभी हमने इन डिटेल पढ़ने हैं अब सारा कुछ, ठीक है। सो राइट डाउन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम दे आर व्हाइट इन कलर, सोनोरस, दे आर सोनोरस इन नेचर। राइट डाउन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम दे आर व्हाइट, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है वो व्हाइट होते हैं। गोल्ड कैसा होता है? गोल्ड इज येलो। एंड व्हाट अबाउट कॉपर? इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है बेटा, बट दिस शाइनी कैरेक्टर, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, जब हम मेटल्स को फ्रेशली कट करते हैं, ठीक है, जब हम उनको फ्रेशली कट करते हैं या जो उनकी सर्फेसेस हैं, जब हम रब करते हैं विद द सैंड पेपर, ओनली देन दे विल अपेयर दिस शाइन। आपको कई बार लगता है कि ये शाइनी कैरेक्टर नहीं है, क्यों नहीं है? यू विल फील लाइक सम मेटल्स आर देयर दैट आर नॉट एक्चुअली शाइनिंग। तो क्या इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर शाइन नहीं है? दे आर नॉट पोजेसिंग दैट लस्ट्रस कैरेक्टर है, बट समटाइम्स व्हाट हैपन इज दैट देयर शाइनिंग कैरेक्टर इज बीइंग हिडन बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड फाइट्स। आप सबने पढ़ा हुआ है कि अगर हम चीजों को एज इट इज एयर में रख देते हैं तो उनकी रिएक्शन हो जाती है विद द ऑक्सीजन, विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द सल्फाइड आयंस, ठीक है। तो अगर आपके मेटल्स जो हैं दे आर नॉट एक्चुअली वेरी शाइनिंग, तो दैट मींस जो फ्रेशली कट होते हैं वो शाइन करते हैं, और जो फ्रेशली कट नहीं होते हैं उनके ऊपर इनकी ऑक्साइड्स की लेयर्स आ जाती हैं। ओके, so the layers of oxides, carbonates and sulfides, they might be present on their surface, that hinders their shining character, ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो shine नहीं कर पाते हैं। when you are going to rub them with the sandpaper, you will observe that shining character. rub करने से क्या होगा, ये जो oxide की layer है आप वो remove कर दोगे, okay, by rubbing with the sandpaper, okay, you will be removing that oxide or carbonate layer that is actually formed on the metal surface. Okay, so next write down, metals are solid at room temperature. Iron hai, aluminium hai, gold hai, silver hai, copper hai, they all are solids at room temperature with the exception of mercury, that is liquid at room temperature. Okay, so all metals except mercury ka symbol hota hai Hg, okay, are solid at, हाँ जी पुत्र, हाँ तो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, प्रॉपर्टीज के कारण क्या H2 होता है हाइड्रोजन गैस का, क्या हो गया? वो गैसियस स्टेट होता है बेटा, आप इसकी बात कर रहे हो, दिस इज हाइड्रोजन गैस, ये Hg है, मर्करी का सिंबल है, ठीक है। राइट डाउन द थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर हार्ड
समीक्षा फॉर द ऑक्साइड्स बेटा, कई बार ये होता है कि आपके मेटल्स जो है उनके ऊपर कुछ लेयर फॉर्मेशन हो जाती है एंड दैट्स व्हाई दे डोंट अपेयर टू यू एज द शाइनी मेटल्स. तो वो शाइन कहाँ गई? दैट इज शाइन, द शाइन इज देयर इन द मेटल्स बट सिंपली देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सम लेयर्स ऑन इट्स सर्फेस. तो ऑक्साइड की लेयर हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कार्बोनेट्स बन सकते हैं, सल्फाइड्स की लेयर जो है वो फॉर्म हो जाती हैं उन मेटल की सर्फेसेस के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है वो जो उनकी शाइनी अपीयरेंस है वो कम हो जाती है, दे अपीयर डल. ठीक है, तो वो आपको डल लगना शुरू हो जाते हैं. तो व्हेन यू आर गोइंग टू रब देम विद द सैंड पेपर दे विल अगेन द ऑक्साइड लेयर इट विल बी रिमूव्ड एंड दे विल बी गेटिंग देयर शाइन अगेन. ओके, सो मेटल्स आर हार्ड, इसीलिए हम इनको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं. ठीक है, और जो टेबल्स पे आप बैठे हो राइट फॉर सिटिंग पर्पसेस, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, तो इन सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं. घर में भी बहुत सारी चीजें हैं हमारी, डाटा मेड अप ऑफ मेटल्स. ओके, सो हाउस होल्ड, कंस्ट्रक्शन, ऑफिस में इनका सारा यूज होता है, जो भी मटीरियल है. ओके, सो ड्यू टू देयर हार्ड नेचर they are having high tensile strength, they can bear more weight. ठीक है, ज्यादा weight जो है ये bear कर सकते हैं, इसीलिए जो चीजें हैं different different things जो हैं they are made of the metals. Now with the exception of sodium and potassium that are actually, sodium और potassium क्या हैं? है तो मेटल्स ही, दे आर सॉफ्ट इन नेचर. मर्क्यूरी तो है ही लिक्विड स्टेट में ना, हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं ना, सॉलिड चीजें अगर हम लें. ठीक है, सो सोडियम एंड पोटेशियम दे आर एक्चुअली दी सॉफ्ट मेटल्स, और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको नाइफ के साथ कट कर सकते हो इजीली. ओके, so these are actually the soft metals that can be cut with the knife. ठीक है बेटा, okay, चलिए next write down. metals are malleable. इसका एक क्वेश्चन भी आएगा कि सोडियम या पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, व्हाई दे आर नॉट एक्सपोज्ड. आपको मैंने 8th स्टैंडर्ड में रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, याद है किसी को? ठीक है, तो आप देख सकते हो उस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले पोटेशियम और सोडियम है, दैट मींस दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. तो अगर वो ऐसे पड़े होंगे, एक्सपोज्ड होंगे टू द एयर, दे विल रिएक्ट इमीडिएटली. ठीक है, बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं, एक्चुअली दे आर फायर कैचिंग मेटल्स. फायर कैच कर लेते हैं तो बस्टिंग का मतलब क्या है? बढ़ी जाएगी वो चीज. ठीक है, तो दे कैच फायर वेरी इजिली ऑन रिएक्शन विद द एयर, तो इसीलिए हम इसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, ताकि जो इसकी सप्लाई है विद द ऑक्सीजन इट शुड बी कट ऑफ. ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन. Metals are malleable. What do you mean by malleability? Firstly, malleability ki property explain karo beta. It is the property of metals. Property of metals. Such that they can be converted into thin sheets ठीक है, तो अगर हम metals को thin sheets में convert कर सकते हैं, then that metals they are the malleable metals. Okay, and this property is known as malleability. Okay, so ye break nahi karte hain, without breaking they get converted into very very thin sheets. Examples, aluminium foils jo aap use karte ho,
एल्यूमिनियम फॉइल्स, गोल्ड. गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल मेटल. सबसे ज्यादा मेलेबल कौन सा है? गोल्ड है. मोस्ट मेलेबल मेटल, ठीक है. गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, हम इनको हैमर कर करके बहुत पतली पतली फाइन शीट्स में कर, ठीक है, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. और आपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, तो वहां पर भी हम गोल्ड लीव्स की बात करते हैं. तो वो लीव्स जो है वो इतनी कम डायमीटर की होती हैं. ओके, सो दैट मींस हम इसको बहुत ज्यादा पतली पतली शीट्स में कवर कर सकते हैं. ओके, एंड द गोल्ड शीट्स दे कैन बी वेरी वेरी थिन एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पेपर शीट्स. जो आपकी नॉर्मल पेपर शीट है उससे भी पतली होती हैं गोल्ड की शीट्स, सिल्वर की भी होती हैं. So you have also seen the silver sheets. तो जो sweets होती हैं उनके ऊपर silver की sheets लगी होती हैं ना, right? हाँ जी, क्या पूछना है कुछ? जब हम मरकरी को गोल्ड किसमें चेंज हो जाता है, किसमें अब्सॉर्ब होता है, ये किस कहां पर देखा हुआ है आपने? मरकरी के अंदर गोल्ड डाल रहा है. हाँ, तो गोल्ड जो है वो उसमें अब्सॉर्ब होना क्यों होगा? क्योंकि वो पिघलना शुरू हो जाता है ना मरकरी में. मरकरी गर्म होगा एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट में है ना, तो एज कम्पेयर टू डैट उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा मरकरी का, इसीलिए जो गोल्ड है उसमें मेल्ट होना शुरू हो गया. मैंने देखा नहीं है, सेपरेशन के लिए दोनों लिक्विड में है, उसको ठंडा कर लेने. तो फिर मरकरी ने तो लिक्विड में ही रहना है, गोल्ड को ठंडा कर लो, गोल्ड सेपरेट आउट हो जाएगा. ठीक है, हाँ जी, हो गया बेटा. सो गोल्ड सिल्वर की एग्जांपल दे दी है मैंने आपको, ठीक है. गोल्ड की लीव्स बनती हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल हो गई हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स बनती हैं, सिल्वर की शीट्स बनती हैं जो आप स्वीट्स पे देखते हो, ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा मेलेबल मेटल कौन सा है, तो दैट इज गोल्ड. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन, डक्टिलिटी. डक्टिलिटी, हाँ जी, क्या होती है डक्टिलिटी? सो यू नॉर्मली यूज वायर्स एट योर होम्स, ठीक है. So ductility is the property to convert the metals into thin wires, patli patli wires banani hai humne metals ki, theek hai. Ek desk piche chal, first pe बेटा, एक डेस्क पीछे. ओके, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल टू कन्वर्ट इट इनटू थिन शीट, थिन वायर, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी. तो मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, राइट. यू कैन कन्वर्ट द गोल्ड सिल्वर इनटू वायर्स आल्सो, बट गोल्ड एंड सिल्वर बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है. तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव चाहिए जो क्या हो, रीजनेबल हो. Okay, so we normally use copper and aluminium wires that are actually used in the house. ठीक है, houses, industries, या जो भी electrical purposes के लिए हम use करते हैं, we use copper and aluminium wires. Because gold and silver, they are costly, they are expensive in nature. ठीक है, दोनों ही है, copper को main लेते हैं. Most ductile is copper. ठीक है,
गोल्ड तो है ही, गोल्ड तो मेलेबल भी है, गोल्ड तो डक्टाइल भी है। अगर आप रीजनेबल देखो तो कॉपर और अल्मीनियम में से कॉपर है मोस्ट, फिर द गोल्ड ही है, ठीक है। गोल्ड इज द मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल में, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन, इफ यू टेक 100 mg ऑफ सिल्वर, अगर आप 100 mg ऑफ सिल्वर ले रहे हो तो उसकी 200 मीटर लॉन्ग आप क्या बना सकते हो, वायर बना सकते हो, ठीक है। एंड इन द सेम वे इफ यू टेक 1 gram ऑफ गोल्ड, तो उसकी आप 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते, ठीक है जी। क्लियर? नेक्स्ट राइट डाउन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, नॉन मेटल्स में आते हैं, नॉन मेटल्स दे आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल। हाँ जी, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यू ऑल नो दैट मेटल्स दे आर, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए, कॉपर एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक एक्टिविटी कंडक्ट करवानी है, वेयर यू विल बी टेकिंग एन आयरन रॉड, आप ये लोअर क्लासेस में करके आते हो। आपने एक आयरन की रॉड लेनी है, ओके, उसको आपने एक स्टैंड के साथ टाई कर लेना है। सो ऑन दिस आयरन रॉड व्हाट यू आर गोइंग टू प्लेस आयरन नेल्स विद द हेल्प ऑफ कैंडल वैक्स, कैंडल वैक्स की हेल्प से आपने इस पे आयरन नेल जो है वो स्टिक करवा लेने हैं इस आयरन की रॉड पे। राघव, ठीक है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट हीटिंग द फर्स्ट एंड, कोई भी एंड जो है वो हीट करना शुरू कर दो, ठीक है। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि धीरे धीरे जो हीट है वो ट्रांसफर होगी दूसरे एंड तक, ठीक है, और ये जो आयरन नेल्स हैं ये गिरना शुरू हो जाएंगे नीचे, ओके, राइट। ये आयरन नेल्स जो हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। सो व्हाट दैट शोज कि जो आयरन रॉड थी वो क्या हो गई है, हीट अप हो गई है ड्यू टू द हीटिंग अप ऑफ दिस आयरन रॉड। ये जो कैंडल वैक्स के साथ आपने नेल्स अटैच किए थे तो यहाँ पर जो कैंडल वैक्स है वो क्या हो गई, मेल्ट हो गई, जिसके कारण जो आयरन नेल्स हैं वो नीचे गिर गए, ओके। सो दैट शोज दैट हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन एंड टू द अनदर एंड ऑफ दिस आयरन रॉड, ओके। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दैट मेटल्स दे आर थर्मल कंडक्टर्स। थर्मल का मतलब हीट, ये हीट को क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, ओके। दे पोजेस थर्मल कंडक्टिविटी और दे आर दी थर्मल कंडक्टर्स। सो इसमें मेन एग्जांपल हम लेंगे कॉपर एल्यूमिनियम की जो हम यूज करते हैं वायर्स में, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, यहां पर एक एक्सेप्शन लिख लो, लेड एंड मर्करी दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड एंड मर्करी दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स हैं बट पुअर कंडक्टर्स हैं हीट के, लेड एंड मर्करी, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बट उसको यूज नहीं करेंगे, क्यों,
कॉस्टली है, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बट किसके लिए बोला तो है, कॉपर एंड एल्युमिनियम विल बी यूजिंग। घर में आप आयरन की वायर्स यूज करते हो, घर में आप आयरन की वायर्स यूज करते हो, आप करते होंगे, बट एक्चुअली द वायर्स दे आर मेड ऑफ कॉपर एल्युमिनियम, या सिल्वर की भी बन सकती हैं, बट सिल्वर जो है वो बहुत कॉस्टली है, सो वी डोंट यूज इट। लेड एंड मर्करी दे आर द एक्सेप्शन टू द कंडक्टिविटी, ठीक है, दैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट राइट डाउन, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज देयर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज देयर, दैट मीन्स दे अलो द करंट टू पास थ्रू देम, ओके, दे विल अलो द करंट टू पास थ्रू देम। अब करंट के लिए एक सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं, उस सर्किट में हमें क्या क्या चाहिए, वी नीड अ बैटरी और है वी नीड अ स्विच और की, बल्ब, ठीक है, और एक मेटल की डिवाइस, वायर ले लो, मेटल कोई भी ले लो, ठीक है, एज इट इज मेटल को ज्वाइन करा दो। तो अगर तो यहां पर ये बल्ब ग्लो कर गया, करेगा कि नहीं, सो द बल्ब विल ग्लो बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल, ठीक है, तो द बल्ब विल ग्लो दैट शोज दैट द मेटल्स दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम और करंट थ्रू देम, ठीक है जी। अगेन कॉपर एंड एल्यूमिनियम दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिख लो बेस्ट एंड लीस्ट कंडक्टर्स, लिख लो बेस्ट कंडक्टर्स दे आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, लीस्ट कंडक्टर्स आयरन एंड मर्करी, आयरन एंड मर्करी, लेट मी करते हैं, बाकी सारे मेटल्स करते हैं, बट ये एक डिफरेंस की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन करेगा, सबसे कम कौन करेगा, ठीक है। लीस्ट कंडक्टर्स दे आर आयरन एंड मर्करी, आयरन बहुत टाइम लेता है इन ऑर्डर टू गेट हीटेड अप और इन ऑर्डर टू कंडक्ट द करंट, ठीक है, नहीं। नेक्स्ट राइट डाउन, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी विद द एक्सेप्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, विद द एक्सेप्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम दैट आर हैविंग लो डेंसिटी। सॉफ्ट होते हैं ना काफी, दे आर क्वाइट सॉफ्ट, नेक्स्ट राइट डाउन, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम, मैग्नीशियम टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम दे आर यूज इन कंस्ट्रक्शन पर्पसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, मैग्नीशियम टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम दे आर लाइट इन वेट, मैग्नीशियम टाइटेनियम एंड एल्यूमिनियम दे आर लाइट इन वेट, so that's why they are used in construction and transportation equipments।